हेलो चिल्ड्रन, मैं मिस अक्षरा जोरी मातोश्री नेशनल स्कूल से आपकी ड्राइंग टीचर। आज का हमारा लेसन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। आज के लेसन में हम शेडिंग ये टॉपिक देखेंगे। एक ही कलर के लाइट टू डार्क कितने शेड्स होते हैं, कितनी वैल्यूज होती है, ये आज के लेसन में हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन शेडिंग। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा आज का लेसन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। आज का लेसन हमारा है शेडिंग। तो एक ही कलर में बच्चों लाइट, मिडल, डार्क इतने शेड्स होते हैं, इतनी वैल्यूज होती है, तो वो आज हम देखेंगे कि कैसे लाइट कलर देते हैं, उसके बाद मिडल कलर कैसे देते हैं, उसके बाद डार्क टोन कैसे देते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑरेंज कलर और ब्लू कलर, ये दो कलर की पेंसिल्स ली। पहले मैं ऑरेंज कलर में आपको दिखा देती हूँ। आप चाहे अलग कलर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर पहले आप ये दो कलर के प्रैक्टिस करो। जैसे हाथ में हम पेंसिल पकड़ते हैं, वैसे ही हाथ में ये कलर पेंसिल्स पकड़नी है। सॉफ्टली और फ्री हैंड जरा सा भी पेंसिल पे प्रेशर पड़ना नहीं चाहिए। हल्के हाथों से हमें लाइट कलर फिलअप करना है। बहुत ही ध्यान रखिए बच्चों कि कलर देते समय जो हमारा पहले से जो पेंसिल पे प्रेशर है, वही प्रेशर हमारा लास्ट तक होने चाहिए। आप मैंने जो ये ब्लॉक ड्रॉ किया है वो मिडल साइज में ड्रॉ किया है। आप चाहे तो स्मॉल साइज में भी कर सकते हो ड्रॉ, नहीं तो बड़ी साइज में भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ मेरा मिडल, सॉरी ये हुआ मेरा लाइट कलर का शेड कंप्लीट। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा सा पेंसिल पे प्रेशर देके मिडल कलर, मिडल स्ट्रोक देने वाली हूँ, मिडल टोन देने वाली हूँ। हमारे लाइट, मिडल और डार्क में फर्क दिखना चाहिए बच्चों। तीन ही थ्री टोन्स हमारे सेम दिखना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखो। हमने जो यहाँ लाइट, मिडल, डार्क टोन्स दिखा है वो तीनों ही अलग अलग दिखना चाहिए। अब मैंने पेंसिल पे मेरा प्रेशर थोड़ा बढ़ा लिया हाथ का। ओके, ये आपको दिख रहा है ये लाइट, ये मिडल टोन है। तो अब मैं डार्क टोन करती हूँ। पेंसिल पे पूरा प्रेशर डाल के इसे मैं डार्क करने का ट्राई करती हूँ।
तो ये देखो, मेरा ये जो कलर का फर्क है, डिफरेंट है, मैंने सॉफ्टली हैंड, फ्री हैंड हाथों से मैंने ये लाइट कलर की लाइट टोन का कलर फिलअप किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पेंसिल पे प्रेशर देके ये मिडल टोन किया। उसके बाद मैं ये डार्क टोन करती हूँ। मेरे पेंसिल के स्ट्रोक बच्चों क्रॉस है, क्रॉस लाइन में मैं शेड करती हूँ। आप चाहे ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हैं, क्रॉस लाइन में भी कर सकते हैं। ओके, नहीं तो ऐसे रफ या स्मूथ करके भी आप शेडिंग कर सकते हो, पर ध्यान में रखो पेंसिल का प्रेशर कम ज्यादा होना चाहिए। लाइट करते समय हमारा प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, उसके बाद मिडल होना चाहिए और डार्क में प्रेशर थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो ये हुआ मेरा ऑरेंज कलर का लाइट, मिडल और डार्क टोन रेडी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ एक और एक ब्लू कलर का। पहले मैं सेम जैसे मैंने ब्लू को कलर फिलअप किया, सॉरी जैसे मैंने ऑरेंज को फिलअप किया, वैसे ही सेम मैं ब्लू वाला पहले फ्री हैंड पेंसिल हाथ में पकड़ूंगी। उसके बाद कम प्रेशर डाल के मैं ये जो मेरा ब्लॉक है वो फिलअप करूंगी। तो ये मेरा ब्लू का लाइट कलर रेडी। फ्री हैंड मैंने ये लाइट कलर फिलअप किया। उसके बाद मैं पेंसिल पे थोड़ा प्रेशर देके मिडल टोन फिलअप करूंगी। हमारे जो थ्री वैल्यूज है, लाइट, मिडल, डार्क, के उसमें फर्क दिखना चाहिए बच्चों। ये ध्यान में रखो। उसके बाद मैं डार्क टोन फिलअप करूंगी। पूरा पेंसिल पे मैंने प्रेशर डाला है। तो ये मैंने डार्क कलर फिलअप किया, डार्क टोन। एक ही पेंसिल से मैंने लाइट कलर, मिडल कलर और डार्क, ये थ्री टोन्स मैंने दिखाए हैं। ऑरेंज और ब्लू कलर के पेंसिल से मैंने ये टू टोन्स बताए हैं। इसमें मैं ऑरेंज कलर में मैंने ऑरेंज ऑरेंज लाइट, ऑरेंज मिडल और ऑरेंज डार्क ये मैंने दिखाया है। उसके बाद ब्लू लाइट, ब्लू मिडल, ब्लू डार्क, ये थ्री टोन्स मैंने आपको दिखाए हैं। तो हमारे शेडिंग्स की वैल्यूज ऐसी होती है बच्चों। तो पहला लाइट कलर होता है, उसके बाद मिडल होता है और तीसरा लास्ट वाला डार्क होता है। ये ध्यान में रखो।
मैंने आपको ये टू कलर के पेंसिल्स में बताया है, आपको ये 5 कलर के पेंसिल्स में करना है और बाद में मुझे ये दिखाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ध्यान से पहले देख लीजिए और उसके बाद ही आप ये कलर फिलअप कीजिए, ओके। तो आज का ये लेसन हमारा फिनिश्ड।